लोगों ने भाजपा को वोट दिया क्योंकि भाजपा देश के हित में बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले लेने का दम रखती है। टाना सात बार गुजराटे सरकार गठनेर पथे गेरुआ शिविर कांग्रेस के धूलिस्यात करे 150 बेशी आसने जय निश्चित करे रेकर्ड भांगल बिजेपि। এই হাই ভোল্টেজ জয়ের পর দিল্লিতে বিজেপির সদর দপ্তরে এলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখান থেকেই মোদীর বার্তা, বিজেপি দেশের স্বার্থে বড় এবং কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার দম রাখে বলেই মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। দেশ জুড়ে যখন সিএএ নিয়ে তৎপর কেন্দ্রীয় সরকার, তখন একাধিক জায়গায় সিএএ বিরোধী আন্দোলনও জোরদার হচ্ছে। এর আগেও অবশ্য নোটবন্দির সময় নানা সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল কেন্দ্রকে, কিন্তু এসব যে দেশের স্বার্থেই তা বারবার দাবি করে এসেছে বিজেপি। আর এদিন গুজরাটে গেরুয়া ঝড়ে স্পষ্ট হল এতটুকু ভাটা পড়েনি বিজেপির জনসমর্থনে। এদিনের বক্তব্য থেকে মোদীর সংযোজন, বিজেপির বেড়ে চলা জনসমর্থন এটাই দেখিয়ে দেয় যে পরিবারতন্ত্র এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ বেড়েই চলেছে। भाजपा का बढ़ता जनसमर्थन ये दिखाता है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। ताई ए रिकॉर्ड ब्रेकिंग जय पर मोदी प्रणाम जनान गुजरात के मानुष के। इस बार वाकई गुजरात ने तो कमाल ही कर दिया है, और विशेष रूप से मैं गुजरात की जनता को भी नमन करता हूं। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए, और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোট থেকে পুরো ভোটে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অভিযোগ এসেছে ভোট লুট, ছাপ্পা, বিরোধী প্রার্থীর উপর হামলা। তা নিয়ে রাজ্য ও জাতীয় নির্বাচন কমিশনে ভুরি ভুরি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। কয়েক জায়গায় পুনর্নির্বাচনও করতে হয়েছে কমিশনকে, কিন্তু সেদিক থেকে গুজরাটে কোথাও পুনর্নির্বাচন করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। जहां तक मेरी जानकारी है, एक भी पोलिंग बूथ में रीपोलिंग करवाने की नौबत नहीं आई है, मतलब कि सुख और शांतिपूर्ण रूप से लोकतंत्र की भावनाओं को पूरी तरह लेटर एंड स्पिरिट में स्वीकार करते हुए मतदाताओं ने लोकतंत्र के उस उत्सव को बहुत बड़ी ताकत दी है, और इसके लिए भी चुनाव आयोग अभिनंदन का अधिकारी है। তাই ভবিষ্যতের বার্তাও একদিন স্পষ্ট করে দিলেন মোদী, সহনশীলতার শক্তি বাড়িয়ে মানুষকে স্বীকার করতে হবে। 2047-এ যখন ভারত স্বাধীনতার 100 বছর উদযাপন করবে, তখন ভারতের যুব শক্তির হাতে বিকশিত ভারত তুলে দিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন প্রধানমন্ত্রী। हमें अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना है और कठोर से कठोर झूठे आरोपों को सहने का सामर्थ्य भी बढ़ाना होगा साथियों, क्योंकि अब जुल्म बढ़ने वाला है। अब मान के चलिए मुझ पर भी बढ़ने वाला है, आप सब पर भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सहन नहीं कर पाएंगे, ये पचा नहीं पाएंगे, और उसका जवाब यही है, हमें अपनी सहन शक्ति बढ़ाना है, हमें अपनी समझदारी का विस्तार करना है, हमें अधिक से अधिक लोगों को समावेश करने की दिशा में अपने हाथ चौड़ा करके लोगों को स्वीकारना है, स्वागत करना है। सकारात्मक रास्ता, सेवा भाव का रास्ता, समर्पण का रास्ता, यही मार्ग हमने चुना है, वही मार्ग हमको यहाँ पहुंचाया है, और आगे भी हमारे पुरुषार्थ से, परिश्रम से देश की आकांक्षाओं वाला ये देश भी बनेगा। 2047
जब हिंदुस्तान आजादी के 100 साल मनाएगा, विकसित भारत हमारे नौजवानों के हाथ में हम देके जाएंगे। दोस्तों, 182 आसन विशिष्ट गुजरात विधानसभा एबारो जयी बीजेपी। আড়াই দশকেরও বেশি সময় পর আজও সেই রাজ্যে যে অব্যাহত মোদি ম্যাজিক তা বোঝা গেল এদিন। ব্যুরো রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।